लड़के डरते मुझसे बहुत डरते हैं भाई या तो मैं उस घर में मर जाती मैं क्योंकि इतना टॉक्सिक हो गया था रोज मारते थे रोज पीटते थे गंदी गंदी गालियां देते थे मुझे जहाँ बाहर नहीं जाने को मिलता था यहाँ में जा सकती थी दारू पी रही थी पार्टी कर रही थी चिल कर रही थी जो मेरा मन था वो रही कर रही थी डेट कर रही थी हाँ एक रिस्क है कि छ महीने कुछ नहीं है तो छ महीने है बट पे आउट एक तरह से सेम ही हो जाता है जब मैंने डर्टी पिक्चर देखी थी तो मुझे एक लाइन याद आती है अंजू महिंद्रू कहती है विद्या बालन से आज जो तुम कर रहे हो उसे लोग बगावत कहेंगे सालों बाद इसी को लोग आज़ादी कहेंगे कितने सारे रिश्ते कितने सारे सपने टूटे हैं लोग क्या कहेंगे ये सोचकर आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स है जिन्होंने कभी परवाह ही नहीं की बेपरवाह है उर्फी जावेद और बेपरवाह होने के लिए आज हमने उनको इनवाइट किया है बीबीसी हिंदी पर थैंक यू सो मच शुक्रिया ये करने के लिए आई लव द इंट्रोडक्शन लाइक दिस लाइन या बहुत अच्छी लाइन थी बिल्कुल आपके साथ जाती है आई फील जो आप हाँ मुझे लग रहा है है ना हाँ उर्फी मुझे ये जानना है कि ये बचपन से ही ऐसे बे, बेपरवाह थी या फिर ये एक्सपीरियंसेस ने और लाइफ के सिचुएशंस ने उर्फी को उर्फी बनाया यार बेपरवाह मतलब बचपन में मुझे ऐसे कपड़े पहनने का शौक था घर पे नहीं मिलता था पहनने को तो जैकेट पहन के गया बाहर खोल दिया और फिर अभी जब मुंबई आई तो सिचुएशंस ने मुझे कॉन्फिडेंस दे दिया मतलब बिल्कुल क्या बताऊँ यार कोई साथ देता नहीं है जब जरूरत होती है लोग चाहे जितना बोलने खुद ही करना है तो जब खुद ही करना है तो कैसे करना है तो वो हम ही डिसाइड करेंगे ना तीनों बहनें एक साथ भागे थे तो आपकी बड़ी बहन आपसे कितनी उम्र में बड़ी है ग्यारह महीने और आपकी छोटी बहन आपसे कितनी छोटी है दो साल दो तीन साल छोटी है टू एंड एक्चुअली है प्लान किसने किया था ये भागने का पता नहीं मतलब ये अभी मेरी बड़ी बहन से पूछे तो ये तो मेरा ही प्लान था आई आई थिंक आई टुक द इनिशिएटिव मुझे लगता है मैंने पहले बोला था उसको लगता है उसने बोला था तो वे स्टिल हम अब आज तक फाइट करते हैं उस बात पे पता है आपके स्टोरी में और मेरी स्टोरी में एक चीज जो फर्क है कि बहुत बड़ा जो फर्क होता है ना सपने देखने में

तो जस्ट टॉक्सिक मतलब बहुत मेंटली मैं पागल हो चुकी थी सारी मेरी बहनें मेरे बहुत फादर टॉक्सिक थे अब्यूजिव थे तो मतलब मैं वो अब्यूजनेस स्केप करने के लिए भागी थी मैं कोई मेरे दिमाग में सपना नहीं था कि मैं भाग के हीरोइन बनना चाहती हूँ कुछ नहीं था बस मुझे जिंदा मैं जिंदा रहने के लिए भागी थी कभी कभी जब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे होंगे मेरे जैसे जिन जिनको अपना फैमिली सपोर्ट मिलता है तो क्या आपको लगता है कभी जब आप इंट्रो रेट्रोस्पेक्ट में देखते हो कि अगर मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव होती तो शायद मेरी जिंदगी थोड़ी अलग होती या मेरा बचपन थोड़ा अलग होता हाँ अलग होता बहुत अलग होता बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आ, मतलब वाह ये कितना लकी है मैं तो तब मुझे तो यही लगता है कि वाह आई एम सो लकी तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे <laughs> पास इतनी मतलब मे बी हम सेम उम्र के हैं बट आई एम मोर एक्सपीरियंस और कभी कभी मतलब मोमेंट्स होते हैं बुरा लगने वाले नो कि, अरे यार जब यारे है कि मेरे पापा ऐसे करते थे मैंने कहा है मतलब ये भी होता है मतलब मोर देन मोमेंट्स आई आई एम एम लाइक शॉक्ड कि पापा ऐसे भी करते हैं जो कोई अच्छा प्यार भी हो सकता है आई आई नॉट एक्सपीरियंस दैट सो से कि मैंने वो मिस आउट किया है मुझे जो चीज़ पता ही नहीं है वो पता ही नहीं है जब आप भागे तब फाइनेंशियली डिफिकल्टी हुई हाँ मतलब पैसा तो थे ही नहीं ना मतलब डिफिकल्टी के पैसे है ही नहीं बिल्कुल तो तब यही था कि ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के थोड़े बहुत मिलते थे और बाकी क्या है ना दो वक्त का खाना तो कोई भी खिला देता है मतलब ऐसा नहीं है आजकल भुखमरी से कोई नहीं मर रहा है भाई पता नहीं इट्स नॉट अ क्राइसिस एनी मोर भुखमरी सो इतने दोस्त यार थे खाना तो वहीं हो जाता था पैसों की कमी तो आज भी सच चाहता कभी पूरी नहीं हो पा रहे पैसे क्यों क्योंकि पैसा जितना मिले उतना कम है भाई तो पैसों की कमी तो शायद इंसान को जिंदगी भर रहती है अम्बानी को भी है दैट इज वॉट इज ड्राइविंग फिर बॉम्बे का बना हुआ मैं फिर छः महीना लखनऊ में रुकी दिल्ली चली गई कॉल सीटर में काम किया छः सात महीना उससे ज्यादा फिर मुंबई आ गई मैं मतलब आई आई थिंक मुंबई में अकेले आए या फिर अकेले मुंबई शहरी ऐसा है कि पहले पहले अकेलापन खा जाता है खा सकता है किसी को आई एंजॉयड माई सेल्फ मेरा तो बहुत अच्छा था मैं अकेली रहती नहीं थी मतलब मैंने अपने आप को इतना वक्त नहीं दिया था ये टिंडर पिंडर डाउनलोड बम्बल डाउनलोड घूम फिर रहे हैं ऐश कर रहे हैं मस्त यार मेरे लिए तो उस घर से बेटर ही था को मुझे बाहर नहीं जाने को मिलता था यहाँ मतलब जा सकती थी दारू पी रही थी पार्टी कर रही थी चिल कर रही थी जो मेरा मन था वो रही कर रही थी डेट कर रही थी आई वॉज किया आपने टेलीविजन में ऑडिशन देना टीवी में ऑडिशन देना तो स्टार्टिंग में तीन चार महीने में मुझे एक छोटा मोटा मतलब ऐसे छोटा मोटा मिलने लगा फिर तीन चार महीने के अंदर तो मतलब मुझे लगा जॉब से तो बेटर ही है मतलब देखा जाए तो सैलरी भी ज़्यादा ही मिल रही है हाँ एक रिस्क है कि छः महीने कुछ नहीं है तो छः महीने हैं बट पे आउट एक तरह से सेम ही हो जाता है ऐसा कभी फील हुआ मतलब कब लगा कि एक्टिंग करनी चाहिए या तो बचपन से ही लगता था बचपन से ही था कि मैं हीरोइन हूँ मुझे बट इतनी हिम्मत नहीं थी बचपन में वो जब घर से भाग ही गए तो मैंने ट्राई करने में क्या ही जा रहा है अब उसे पथेटिक एक्टर बट आपने कहा कि आपने आपको पूरा का पूरा रीमॉडल किया आपको किसी ने ये दिमाग में डाला कि आपको लिप, लिप फिलर्स करने चाहिए बोटॉक्स करना चाहिए या फिर ये आप ही का डिसीजन था और जब लिया तो कितना डिफिकल्ट था वो डिसीजन लेना बिल्कुल यार जब मैं आई थी मुंबई तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी पर जैसे जैसे तो मैं ऑडिशन देने लगी अपने आपको स्क्रीन पर देखने लगी मैंने रियलाइज किया मेरे दांत बहुत मैं ना हबड़ी थी दैट्स द वन हाँ तो मेरे दांत एड़े मे हबड़े ऐसे ऐसे मैं मतलब मैं मेरी मेरा फेस भी इतना तो छोटा सा मेरा फोरहेड इतना बड़ा तो वो इन सिक्योरिटीज धीरे धीरे किसी कास्टिंग वाले ने बोल दिया दांत सही कराओ किसी ने बोल दिया अरे बड़े पतले लिप्स हैं जो भी अपने तो, देखने भी लगे इंस्टाग्राम तो फेमस है मैंने कहा काइली जेनर ये क्या चीज़ है अच्छा ये लिप करा के इतनी सुंदर हो गई वाह ये क्या चीज़ है ऐसे ये सब भी करा सकते हैं मैं क्या मतलब बस एक ही प्रॉब्लम हुई पैसे नहीं थे बड़े महंगे होते थे ये चीजें प्रॉब्लम से भी ये थी बाकी मुझे ऐसा कोई आई डोंट फाइंड थिंग्स बैड नो ऑफ कोर्स आपने पोस्ट पे भी ऑनेस्टली उस बारे में बात किया है तो मुझे ये जानना है कि पैसे तो नहीं थे पैसे जुटाए कहाँ से और कितना खर्चा किया ये करने के लिए पहली बार उन्नीस साल की उम्र में किया था इफ आई एम हाँ उन्नीस आते ही करवा रहे थे तीन चार ऑडिशन आया मुझे कराना है अब काम करती गई थोड़ा थोड़ा मतलब टीवी थोड़ा फ्रेंड से उधार ले ली इधर उधर तो वो मिला जुला के सिर्फ लिप्स कराया था फिर तो कभी कभी आपने जो पिक्चर्स डाले हैं अपने अ, पे वहां पे कुछ कुछ टाइम आपने ये भी बोला है कि बहुत बार उसको गलत क्या ना सस्ते के चक्कर में पैसे ही नहीं होते तो तो डॉक्टर के पास चले जाते सस्ते डॉक्टर्स गलत कुछ कुछ ने बिल्कुल ही गलत कर दिया था यार बहुत गंदे कर दिया था मेरे लिप्स उससे कॉन्फिडेंस डाउन हुआ था नहीं नहीं तब भी, ऐसे मैं, तब भी मैं बहुत अच्छी लगती हूं। मुझे एक साल तक तो समझ ही नहीं आया कि मेरे लिप्स अजीब से ऊपर टेढ़े हैं बाद में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस नहीं मतलब मुंबई में देखा कि गलत हो गया है क्योंकि रो रही थी मैं मतलब ऐसा लगता है ना चेहरे को कुछ भी हो जाता है कि अरे बोलने को तो बोल लेते हैं पर जब आईने में वो शक्ल कुछ गंदी दिखती है You know, अभी सही कराओ सही बिकॉज एक एक्टर और हम एक्टर के हम लोगों के लिए uh, हमारा फेस बहुत मैटर करता है एक टाइम ऐसा आया जब मैंने आपके एक also, <laughs> क्यों? अरे घर पर भी किया जब मैं लखनऊ में थी फिर मैं इधर उधर थोड़ा जब मैं घर से भागी तो मैंने देखा जिंदगी है बट फिर कुछ हो जाता मैं मैं थोड़ी थी वैसी मतलब बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पाती थी अभी थोड़ी वैसी हो गई हूँ पहले हर आ, उस उम्र में शायद मुझे लगता है जब कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है सबका पहला सोल्यूशन यही आता है कि मर जाओ उर्फ़ी आप दिलो दिमाग से तो बहुत साफ हो इसीलिए आप साफ तरीके से चीज़ें बोल देते हो ये इंडस्ट्री में एक हीरोइन का एक डायलॉग है जैसे मैंने पहले डोटी पिक्चर का बोला ये फिल्म इंडस्ट्री है यहाँ या तो मैनिपुलेट कर लो या मैनिपुलेट हो जाओ वो सिचुएशन आई है कहीं कहाँ पे लोगों ने आपको करने की कोशिश की यार मैं उस मामले में थोड़ी क्लेवर थी हाँ मतलब मैं मना तो नहीं करूँगी हुई है तभी मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी क्या हुआ था एग्जैक्टली अरे यार मुझे ना एक वेब सीरीज में बोला था कि चलो वेब सीरीज मैं वैसे स्टार्टिंग से बहुत क्लियर थी मैं कभी इंटीमेट सीन पी नहीं करूँगी वो नहीं है मेरे अंदर मुझे बोला कि सीरीज है आप आ जाओ आपको फाइनल कर लिया लीड रोल के लिए मैंने कहा ठीक है और उन्होंने बोला मुझे सीन्स सिंगसिंग करने तो उन्होंने बोला सब सजेस्टिव सब होगा और वहाँ सेट पे पहुँचते ही मतलब दे मेड मी टू डू अ लेस सीन फोर्सफुली लाइक अ फुल सेक्स सीन एंड देन दे मेड मी डू लाइक दे वे फोर्सिंग मी टू डू अदर सीन्स जो मेरी उसके अगेंस्ट से मैंने कहा सजेस्टिव का मतलब मैंने मैसेजेस भी किए मैं रोज प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को मैसेज करती थी सजेस्टिव का मतलब ये नहीं होता है आप ये कैसे कर सकते हो मेरे साथ ज़बरदस्ती वो लोग सेट पे मुझे ज़बरदस्ती मेरे कपड़े फाड़ देते थे मतलब लाइक कैमरा ऑन है मैं ये सब नहीं करूँगी जबरदस्ती प्रोड्यूसर वो खींच के मुझे बोली उतार उतार कर मैं तो तेरे साथ ये कर दूंगी लाइक आई फेल वेरी वायलेटेड आई डोंट थिंक सो इंटीमेट सीन टू बी दैट वो Quotation. आपने शूट किया तीन दिन बाद मैं पुलिस स्टेशन चली गई थी मतलब मुझे नहीं जाना था पुलिस स्टेशन मैं सेंटा गई थी उन्होंने बोला अब पुलिस स्टेशन जाओ कंप्लेन करो मैंने कंप्लेन कर दी तो जेल में थे हाँ। फिर लेकिन एक महीने बाद मुझे बहुत लोगों ने बहुत प्रेशराइज़ किया वो कंप्लेन वापस लेने के लिए मुझे ऊपर से बहुत प्रेशर आया था बहुत तो मुझे वो कम्प्लेन वापस लेनी पड़ी थी आई अंडर ऑफ प्रेशर टू टेक दैट बैक उर्फी आपने जितना आप अभी तक बोला है ना उस और मैंने आपको देखा भी है कि आपको जब कोई कोई बोल देता है कोई बहुत गंदे गंदे नामों से बुलाते हैं कभी कभी ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको एट द एंड ऑफ द डे आप भी तो एक इंसान ही हो जो भी कपड़े पहनते हो वो आपका पर्सनालिटी का पार्ट है क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे आपके पर्सनैलिटी पे रोज़ अटैक होता है सोसाइटी के नॉर्म्स uh, से हट के कोई कुछ करता है तो स्टार्टिंग में विरोध होता ही है राजीव गांधी जब पहली बार इंडिया में कंप्यूटर लेके गए थे उनके पुतले जल गए थे आज हम सबके हाथों में कंप्यूटर है बट डू डू यू फील दैट देर आर लेबल्स जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो आपके साथ अटैच होता है अच्छा तो कुछ भी नहीं लगता है बट आई फील जो लेबल दे रहे हैं उनकी क्या है मतलब उनको आपने उनको इतनी क्रेडिबिलिटी क्यों दी है कि आप किसी की भी उनका वो खुद क्या कर रहे हैं तो क्या आपको भी ये लगता है कभी कभी कि आपकी आर्ट को लोग नहीं देखते सिर्फ पोशाक को देख के कमेंट कर देते है कि यार ये तो कैसे कपड़े बिना कपड़े घूम रही है ये कमेंट्स जो आते हैं हाँ मतलब अभी देखो एथिकली तो गलत है आप बोलो मेरे घर वाले सूट में रहेंगे मुझे लड़कियाँ में पसंद है तो विद मुझे क्या मतलब है भाई तो तुम्हारी पसंद है ये मेरी पसंद है पर एक दूसरे से रिस्पेक्टफुल होना एथिकली जरूरी है बाकी हम अगर नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं कितनी मेहनत जाती है एक एक आउटफिट डिजाइन करने में कितना टाइम आप देते हो एक एक आउटफिट डिजाइन करने में बहुत मेहनत लगती है यार ट्रायल एंड एरर बेसिस पे होता है कुछ चीज़ें दे नेवर इवन मेक इट टू द द्राम क्यों कि नहीं अप टू द मार्क है तो मैं मेरे से नहीं हो पाता अप टू द मार्क नहीं है यू you नो know? बहुत बार ऐसा होता है और सोचने में भी कभी कभी ऐसा लगता है कि एक एक महीना सोच मतलब वो ब्लॉक आ जाता है क्रिएटिव ब्लॉक कि अब मैं कुछ नया सोच ही नहीं पा रही हूँ तो ऐसा लगता है करियर खत्म क्या मैंने तो करियर ही इस पर बेस किया है अपना इट हैपन्स सोशल मीडिया के जमाने में अगर आपके कपड़ों के बारे में इतनी बात होती है तो मुझे ये जानना है कि आप एक एक आउटफिट बनाने में कितना टाइम लगाते हो यार मतलब एक एक आउटफुट में एक हफ्ता तो लग ही जाता है अगर एक किसी किसी आउटफुट में एक एक महीना लग जाता है कौन से में एक जो जिस सच में सबसे ज़्यादा टाइम लगा था जो मैंने ग्राजिया पे पहना पे था लाइक अ ब्रेस्ट प्लेट ग्राजिया पर मैंने ब्रेस्ट प्लेट पहनी थी साड़ी वाली उसमें मुझे छः सात महीने लग गए थे बनाने में नहीं टेक्निक परफेक्ट करने में मुझे पूरा अपने आप को सिलिकॉन लगा के उसके ऊपर पी ओ पी चढ़ा के फिर वो सुखाया बहुत टाइम लगे मतलब पहले हमें पता नहीं था सिलिकॉन को एक टाइमिंग होती है इतने टाइम मिक्स करके रखना है तो वो वो बार तो सिलिकॉन वेस्ट हुआ कि टाइमिंग नहीं बैठ रही थी कब बॉडी पर डालना है मिनट और तीस -तीस का फर्क होता है मेरे को आप एक चीज़ कि आ, आप अभी बिग बॉस में पहली बार आए आप एक हफ्ते में आउट हो गए तो ऐसा कुछ है जो वापस बिग बॉस अगर ऑफर आए तो आप करोगे आई जस्ट नाउ मेंटली आई फील मैं बहुत अलग स्पेस में हूँ मैं शायद उस स्पेस में वापस नहीं जा पाऊँगी और पता नहीं मतलब नहीं हो पाएगा मुझे हेयर मेकअप रोज सुबह चाहिए लाइक आई नीड पीपल आई बिकम अ डीवा नाउ अब अभी को अकेले कैसे करूँगी तो एक ग्लास पानी भी नहीं लेती हूँ आप खुद मुझे कैसे करूँगी जहाँ पे मैं एक टाइम पे एक तरफ आपको लोग जज करते हैं

टू बी अप्रीशिएट एट सम पर कभी कभी ऐसा लगता है मुझे क्या लगता है ना कभी कभी कि अगर कोई आपको अप्रीशियेट करने की कोशिश भी करे ना कुछ लोग जो करना चाहते हैं वो इसी डर से नहीं करते कि बाकी लोग जो उनके आसपास पास है वो उनको जज करेंगे आपको अप्रिशिएट करने के लिए क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है नहीं मुझे तो मैं इन सब पे ध्यान ही नहीं देती कि कौन अप्रीशिएट कर रहा है नहीं कर रहा है करो नहीं करो क्या फ़र्क पड़ता है करोगे तो अच्छा लगेगा थैंक यू बोल देंगे नहीं करोगे तो तो भी हमारे कौन सा घर पे चूल्हा नहीं जलेगा जो भी आप कपड़े पहनते हो ना आम, वो इतने रिस्की होते हैं कभी कभी कि डू यू फील दैट पीपल वहाँ पे एक वॉड्रोप malfunction का बहुत बड़ा स्केयर रहता है हाँ हाँ रहता है कैसे उसके साथ डील करते हो मतलब एक तो हो चुका है मेरे साथ फिल्मों में काम करने का शौक है बचपन में था अभी ऐसा कुछ ड्रीम नहीं है क्या आपको लगता है कि कभी कभी ये जो परसेप्शन आपके आजू बाजू है वो आपकी फिल्मी करियर के लिए आपको किसी ने कभी बोला है कि ये फिल्मी करियर के लिए शायद ओके okay, ना हो ये मत करो वो मत करो यार वी लिव इन अ इन अ वर्ल्ड जहाँ पे हर चीज़ बहुत तेजी से चेंज हो रही है मत तो मतलब अगर कोई कुछ बोल रहा है तो मैं मैं यही बोलती हूँ कि आपको फ्यूचर पता नहीं है कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है पर ऐसे तो फिर बात रही कि मतलब ऐसे तो फिर कितने ऐसे स्टार्स हैं जो जेल जा चुके हैं मुड़र कर चुके क्या क्या कर चुके आप सुपरस्टार्स हैं यार पास्ट के बेसिस पे या ऐसे आप जज नहीं कर सकते हो मतलब कुछ भी हो सकता है दुनिया में फाइनली रिश्तों के मामले में उर्फी कैसी है रोमांटिक oh रिलेशनशिप्स है जिंदगी में कोई अरे कहां यार नहीं।, नहीं पटता लड़का क्यों क्योंकि पटाना ही नहीं कोई तो आपको भी पटाना पटाने के लिए आया होगा कभी नहीं बिल्कुल नहीं लड़के डरते हैं मुझसे बहुत डरते हैं बहुत स्टोरी डाल देंगे <laughs> फ्लड करूँगा तो फाइनली उर्फी पाँच साल बाद उर्फी खुद को कहाँ देखती है इन माय प्राइवेट जर और डेड आई होप इट्स द फर्स्ट वन